नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश प्यारा सजा है दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ स्निग्ध अवस्थी। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। देवी का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्र के दिन में वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन माँ को खुश करने के लिए उनके हर स्वरूप की पूजा करने की विधि अलग अलग है। नवरात्र में माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद लेने की अगर कामना करते हैं तो आपको कुछ बातें विशेष तौर पर अपनानी होंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय दिन माता चंद्र घंटा और उनकी कृपा से प्राप्त साहस और निर्भयता, इसका स्वागत करते हुए सभी दर्शकों को आज माता रानी का तीसरा दिन और तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप बने रहिए हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। हम गुरु जी से जानने की कोशिश करेंगे कि माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे की जाए। देवी के तीसरे स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। उनका ध्यान हमारे श्लोक और परलोक दोनों को सदगति देने वाला है। कहते हैं माँ चंद्र घंटा की उपासना करने से भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का नाश करने के लिए माँ का आशीर्वाद बहुत जरूरी है और इसके लिए माँ के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। को ध्याता आज है माँ चंद्र घंटा का दिन। मंदिरों में हो रहा है माँ चंद्र घंटा का गुणगान। स्वर्ग की देवी है माँ चंद्र घंटा। सुखी गृहस्थ जीवन और सौभाग्य के लिए माँ चंद्र घंटा की पूजा। सफलता के लिए माँ चंद्र घंटा पर चढ़ाएं तांबे से बनी घंटी। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मंदिरों में माँ चंद्र घंटा की पूजा की जा रही है। माँ दुर्गा की इस तीसरी शक्ति का नाम चंद्र घंटा है। माँ चंद्र घंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। पुष्प गल माला कंठन पर साजे। आज के दिन माँ का ध्यान करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सदगति की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सी की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। नवरात्र के संबंध में कहा जाए तो दुर्गा सरस्वती में जो है आया है द्वादश अध्याय में कि जो है शरत काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी और कलौ चंडी विनायकौ। इस कलयुग में माँ भगवती चंडी और जो है भगवान गणेश और महाबली महावीर हनुमान जी, इनकी ही उपासना जो है अत्यधिक फलदायी है। इसलिए माँ भगवती की आराधना का जो है बहुत बड़ा अवसर है। इनकी आराधना से स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्र घंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं।
इसलिए हमें मन, वचन और कर्म से मां चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करनी चाहिए। मां चंद्र घंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं और 10 हाथों में खड्ग बाण सुशोभित है। माँ का वाहन शेर है। दुर्ग सप्तशती के मुताबिक माता के घंटे की तेज और भयानक ध्वनि से दानव और अत्याचारी राक्षस सभी डरते हैं। तभी तो देवी चंद्रघंटा अपने भक्तों को अलौकिक सुख देने वाली माता कहलाती है। ये जो वासंतिक नवरात्रि है, इसमें भगवती के गौरी रूप का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन महागौरी की पूजा की जाती है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की कामना से माताएं, देवियां, बच्चियां हमारे यहाँ विवाह की कामना से बच्चियां करती हैं, और जो माताएं हैं वो अखंड सौभाग्य की कामना से भगवती की उपासना इस आश्विन जो नवरात्र है, इसमें जो वासंतिक नवरात्र है, इसको बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाती हैं। नृत्य करत भैरव, नवरात्रि के तीसरे दिन माता की पूजा के लिए सबसे पहले कलश की पूजा करके फिर माता देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गाय के दूध का प्रसाद चढ़ाने का विशेष विधान है। इससे हर तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माता की पूजा करते समय माता को दूध या दूध से बनी मिठाई और खीर का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें, क्योंकि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और सभी दुखों को हर लेती है। दुर्गा देवी का दर्शन पूजन करने से और पत्नी मनोरमान देही मनोवृत्तानुसारिणीम धारणीम दुर्ग संसार सागर सुगुणोद्वार, इस मंत्र का 1,25,000 जप करने से या दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ करवाने से सभी कामना भगवती पूर्ण करती। मन वांछित फल पावत, मन इच्छा फल पावत, सेवत नर नारी। नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद लेने के लिए अगर कामना करते हैं तो आपको कुछ बातें विशेष तौर पर अपनानी होंगी। गुरुजी, माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करें और कैसे विधि हो कि माँ प्रसन्न हो जाए? माता चंद्रघंटा और माता चंद्रघंटा चूंकि तीसरे दिन आने वाली देवी का इसमें प्रभाव और तीसरे दिन आने वाली देवी का प्रभाव निश्चित रूप से साहस को बढ़ाता है और आपके किए हुए कर्मों के फल को देने वाला होता है। पूजा का विधि विधान ये होता है कि सर्वप्रथम आप देवी माता को आसन दीजिए और आसन के साथ साथ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने वाली होती है कि माता का आज तीसरे दिन चूंकि मंगल से संबंध है, इसलिए मंगलदायिनी माता और पीले के साथ साथ खास तौर पे अगर आप देना चाहते हैं या अर्पित करना चाहते हैं तो लाल रंग के फल और 5 प्रकार के लाल रंग के फल ये इस पूजन विधि में आप अर्पण कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप अर्पण करना चाहें तो आज जो एक प्रावधान है जिसको कह सकते हैं कि चूंकि माता चंद्र घंटा है, घंटे के आकार का चंद्र मस्तक पे सुशोभित है, जिस प्रकार से भूत भावन भोलेनाथ के मस्तक पे भाल चंद्रमा है, उसी प्रकार से आप एक तांबे से बनी हुई घंटी ये भी आप माता को पूजन के स्वरूप, चूंकि सिंह के ऊपर आरूढ़ है सिंहारूण माता और इसके साथ अस्त्र शस्त्र के साथ 10 भुजाओं के साथ साथ साक्षात शिवत्व का प्रतिनिधित्व करती हुई माता तीसरे दिन इनका ये विधान दिखता है। साथ के साथ हम क्या अर्पण कर पाएंगे माता को, लेकिन जो भी हम उनके बच्चे हैं और बच्चे जो माता को खुश करने के लिए कर सकते हैं, वैसे विधान में और भी आती हैं बातें।
गाय के दूध से बनी हुई वस्तुओं को भी आज अर्पित विशेष रूप से किया जाता है। वो इसलिए कि मन का अहंकार निकल जाए और मन का अंधकार निकल जाए। और जिस प्रकार से गाय का गोदुग्ध बहुत ही शुभ और शुद्ध होता है और सिद्ध होता है, उसी प्रकार से निरोगी रख के और निरोगी रहने के साथ साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति। ऋण रोगादि दारिद्र्यम पाप क्षुदव मृत्वा भय शोक मनस्तापा नश्चन्तु मम सर्वदा। भय शोक और मनस्तापों को सर्वदा नष्ट करने की बात अगर करें तो माता रानी का प्रभाव। और दूसरी बात, मंगल और बहुत ही शुभ ये है कि मंगलवार को ही मंगल का प्रतिनिधित्व करने वाली माता चंद्र घंटा, इनका प्रभाव मिला है। अश्विनी नक्षत्र के ऊपर इनका प्रभाव मिला है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो माता सिंह के ऊपर आरूढ़ है, यानी सूर्य और मंगल का अस्त्र शस्त्र लिए हुए प्रादुर्भाव हो रहा है। माता की मंद मंद मुस्कुराहट, और इसके साथ साथ यदि आप अर्पित करते हैं तो लाल रंग के वस्त्र पहन के इनकी पूजा उपासना की विधि, और जो भी आप अर्पित कर रहे हैं ये आप साधक, और अगर आप गृहस्थ हैं तो ये विधियां अपना सकते हैं, साधक हैं तो इन विधियों को अपनाने के साथ साथ आप अपनी शक्तियों को मणिपुर चक्र से जागृत कर सकते हैं। यानी मणिपुर चक्र को साधकों के लिए जागरण करने का भी आज विशेष। तो ये तो बात हो गई गुरुजी माता के स्वरूप और पूजा विधि की, लेकिन माता चंद्र घंटा की पूजा का महत्व क्या है? की पूजा का महत्व बहुत बढ़िया बात आपने कही है। इनका महत्व ये है कि आपको भय शोक और मन के जो संताप हैं, भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा, हमेशा हमेशा के लिए शोक और मनस्ताप सब निकल जाते हैं। माता चंद्र घंटा का ये प्रभाव है। श्रवण शक्ति, मनन शक्ति, और श्रवण और मनन के साथ वाक शक्ति को भी प्रज्वलित करके, और जितनी भी उद्वेलनाएं अंदर चल रही हैं उनको भी दूर करने के लिए माता चंद्र घंटा का प्रभाव और माता चंद्र घंटा का स्वभाव दोनों को अगर हम ले लें तो माता की कृपा से इनका महत्व साहस बढ़ाने के लिए होता है। और जो भी किसी भी प्रकार के भय हैं, आठों प्रकार के भय, इन सब को नष्ट करने वाली, हरने वाली, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कायिक हो, चाहे वाचिक हो, किसी भी प्रकार से अगर हम ले लें तो इसका नष्टीकरण हृदय से। और पूजा का महत्व तो हमेशा वही होता है कि मंगल आपके जीवन में आए, और मंगल आपके जीवन में आने के साथ साथ हृदय कलुषिता से दूर हो जाए। तो हृदय की कलुषिता को दूर करना और साथ के साथ वैभव ऐश्वर्य और बहुत सारे इस प्रकार के रोग शोक संताप, इनका नष्टीकरण भी ये हो जाता है। क्योंकि दस भुजाएं हैं, दस भुजाएं मतलब दसों दिशाओं से आने वाला भय, दसों दिशाओं से आने वाला शोक और दसों दिशाओं से आने वाला संताप, ये बिल्कुल नष्ट हो जाता है। और अर्धचंद्र का प्रभाव अगर देखें तो साथ के साथ चंद्र घंटा माता का प्रभाव मन के कलुषिता को दूर करने के लिए भी निश्चित रूप से होता है। सही कहा कि माता की उपासना करने से भय का नाश होता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको ले चलेंगे माता मैहर के दरबार, बने रहिएगा।
जाता है, सच्चे मन से जो भी माता के घर पहुंचता है उसकी हर बाधा दूर हो जाती है। आइए आपको भी लेकर चलते हैं माता के एक ऐसे दरबार में जहां से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। जी हां, सचमुच जो एक माँ मैहर वाली देवी है उनका दरबार आ गया है। वो फिर कहीं और नहीं जाना चाहता, यहाँ आकर हर कोई अपना सब कुछ न्यौछावर कर लेना चाहता। त्रिकुट की पहाड़ियों पर स्थित मां शारदा का यह मंदिर विश्व विख्यात है। इस मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त की हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। यही कारण है कि भक्त यहां दूर दूर से हाजिरी लगाने आते हैं। सुर का ज्ञान सिखा दे माँ, है अंधियारा इस हृदय में। माँ शारदे के दरबार आने वाला भक्त खाली हाथ नहीं जाता, फिर चाहे वो संतान प्राप्ति हो या फिर कामकाज की, सभी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। माता रानी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा करती है और उनके कष्ट कलेशों को दूर करती हैं। रीत न जानू गीत न जानू प्रीत में जानू चरणों की। माँ का स्थान न केवल आस्था का केंद्र है बल्कि इस मंदिर के विविध आयाम भी हैं। रीत न जानू गीत। त्रिकूट पर्वत पर स्थित मंदिर का दृश्य बड़ा ही रोचक और मनभावन है। माँ के दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है। दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं। बहुत से लोग अपनी मन्नत को लेकर कोई नंगे पैर तो कोई जमीन पर लौटते हुए यहाँ आते हैं और माँ का दर्शन पाते हैं। इस मंदिर के समीप आल्हा और उदल का अखाड़ा भी स्थित है। इस अखाड़े के समीप एक तालाब भी स्थित है। बताया जाता है कि आल्हा इस तालाब में स्नान करने के बाद माँ की आराधना करने के लिए मंदिर जाते और फिर इसके पश्चात ही अखाड़े में उतरते थे। यहाँ आल्हा अखाड़े का जो उनका ताल है वहाँ स्नान करके यहीं से शारदा मैया जी का पूजा करने जाते हैं और प्रथम पूजा आज भी उन्हीं के द्वारा शारदा मैया में होता है। मैहर माता का मंदिर सिर्फ रात्रि 2 से 5 बजे तक बंद किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य छुपा है। ऐसी मान्यता है कि आल्हा रात्रि 2 से 5 बजे के बीच रोज मंदिर आकर माता रानी का सबसे पहले दर्शन करते हैं और उनकी आराधना पूजा पाठ के अलावा माँ का श्रृंगार भी करते हैं। एक 20-25 साल की पहले की बात है कि अचानक मैं हमेशा माँ के पट खोलता चला आ रहा हूँ, माँ की पूजा करता चला आ रहा हूँ। आरती बाहर की जाती है, धूप बत्ती बाहर सुलगाई जाती है, लेकिन जैसे माँ के श्रृंगार बदलने की मैंने कोशिश, दरवाजा खोला, एक विचित्र फूल माँ के पास से मेरे पास आया। ऐसा फूल मैंने अपने जीवन में कभी फूल ही नहीं देखा था। उठा के उसके बड़ी देर तक गौर से देखता रहा कि ये फूल आया कहाँ से। 4 ताला लगाता हूँ, ताला खोला किसने, कैसे खुले, फूल चढ़ा कैसे, क्योंकि वो फूल ही अजीब गरीब था जो कभी इतिहास में मैंने देखा ही नहीं था। जैसे ही मैंने माँ का श्रृंगार बदला, श्रृंगार बदलने पर फिर पुनः एक फूल माँ के पास से फिर मेरे पास आया। मैं फिर उठो उसको उठाकर फिर गौर से देखने लगा और रख लिया। जैसे पूरे वस्त्र मैंने के बदले, उसके बाद क्या देखता हूँ कि माँ के कंधे के बगल से 2 आधी जली हुई धूप बत्तियाँ लगी थी। मैं इस चमत्कार को देखकर विस्मित हो गया कि माँ के कंधे के बगल से कौन धूप बत्ती सुलगा सकता है, 4 ताले खोल बिना खोले हुए कौन अपने फूल अर्पण कर सकता है, हो सकता है वह आल्हा ही हो, ऐसा मैंने अनुमान उसका लगाया। ये विचित्र चमत्कार था।
असुर की देवी सरस्वती माँ। जैसा गुरु जी आपने बताया कि माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से भय और साहस मिलता है, भय का नाश होता है और साहस की प्राप्ति होती है, तो ऐसे में कौन सी विधि से माता की पूजा करें कि माता प्रसन्न हो? कई विधियों का वर्णन है शास्त्रों में, किस प्रकार से आपको माता रानी का पूजन करना है और किस प्रकार से विधि विधान आपको इसका पालन करना है। सर्वप्रथम अगर माता चंद्रघंटा की उपासना होती है तो उसमें उपवास का महत्व बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रकार से होता है। उपासना में उपवास का महत्व होता है, इसलिए भक्त लोग उपासना करते समय एक संकल्पित उपवास करते हैं। चाहे सूर्योदय से सूर्यास्त कालिक हो या पूर्ण यानी कि पूरे दिनमान और रात्रिमान के लिए हो, इसमें चूँकि आपको चंद्र से संबंधित और साथ के साथ मंगल तत्व से संबंधित इसमें प्रभाव मिलता है, इसलिए मंगल का जो भी प्रभाव दुष्प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए इसमें अगर उपासना पद्धति पे हम जाएंगे तो आसन के साथ लाल रंग का आसन देना, लाल रंग के वस्त्र समर्पित करना और इसके साथ साथ इनको नारियल और उसके ऊपर लाल रंग की चुन्नी इत्यादि लगा के माता को बहुत प्रकार प्रकार से 5 प्रकार के लाल फल और इसके साथ साथ यदि किसी मंदिर में या अपने घर में ही माता रानी को आप चढ़ाना चाहें तो एक आप तांबे की घंटी ये भी आप चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ माता को प्रसन्न करने के लिए बाह्य और अंतर सूची का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मंगल से संबंधित भय और साहस की प्राप्ति, भय को दूर करना यानी अंधकार को दूर करना और साहस की प्राप्ति करना, आप इसकी पूजा माता का जो जप होता है इसमें अगर कोई और आपको ना समझ में आए तो सर्वोत्कृष्ट जप जो होता है, या देवी सर्वभूतेषु साहस रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्व रूप, या देवी सिद्धि रूपेण संसिता, अगर हम इसमें सिद्धि भी डाल दें या देवी को, यानी कि हम आह्वान कर रहे हैं या देवी को माता को खुश करने के लिए, यानी माता आइए और आप विराजमान होइए, उनको आसन दे रहे हैं और लाल रंग के आसन के साथ साथ या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसके साथ साथ अगर आप इसका जप करना है तो वैसे तो संध्या काल जप आज के मंगल के दिन, और आज मंगल का दिन भी है, मंगलवार को ही माता को प्रसन्न करने के लिए ये है, और अगर आप इसके साथ साथ ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः इसका मंत्र का जाप करते हैं तो शेर पे यानी सिंह पे सवार माता का बहुत आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 10 भुजाएँ 10 दिशाओं में जय जयकार गूंजेगी। और अगर निशीत काल महानिशीत काल में पूजा करते हैं या जप करते हैं यानी रात्रि काल में, तो उसका जप का बहुत ज़्यादा प्रभाव और अच्छा पड़ता है। सबसे अच्छा समय रात्रि 8:30 से लेके 1:25 का समय आज का सिद्ध हुआ है, जिसमें आप ये जप करेंगे तो सिद्धियां मणिपुर चक्र ये भी आप जागृत कर सकते हैं। गुरु जी आप स्टूडियो में आए, दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब आपको आखिर में छोड़ जाते हैं माता के गुणगान के साथ। नमस्कार। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। आइए भक्तों, हम सब आज चंद्रघंटा माँ को मनाते हैं, आज उनका जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। कैसे? विंध्याचल माई के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। विंध्याचल माई के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, राजधानी लागे। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। आइए भक्तों, हम सब आज चंद्रघंटा माँ को मनाते हैं, आज उनका जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। कैसे? विंध्याचल माई के प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे। विंध्याचल माई के प्यारी
तारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो गंगा जी को पानी लागे, राजधानी लागे विंध्याचल माई के प्यारी। सुरहु सिंगरवा में भभ के सुरतिया, मन मोहे मैया जी के मोहनी मूरतिया, सुरहु सिंगरवा में भभ के सुरतिया, मन मोहे मैया जी के मोहनी मूरतिया, मैया राज महल के प्यारी महारानी लागे, महारानी लागे मोहे मीठा।